अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री रहे, दस के इंतजार में किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी, ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा पहली बार भावुक होकर और नीतीश कुमार के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगे जिसके बाद नीतीश का भी दिल पसीज जाएगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये वही मुख्यमंत्री हैं, ये वही नेता हैं जो बिहार को 17-18 साल से चला रहे हैं, जनता इनको आशीर्वाद दे रही है। और बताइए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 घंटा इनका इंतजार करा देते हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही है राजनीति में, उसे इधर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के लिए अपना प्यार दिखाया है। नीतीश के लिए उपेंद्र कुशवाहा का प्यार उमड़ा है और मुख्यमंत्री को आगाह एक बार फिर से कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी गलती हो रही है। तेजस्वी यादव उनके साथ गलती कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग उनके साथ गलती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काफी भावुक हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान को, कैसे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और इस दरमियान उनका दर्द भी बाहर आया है कि वो नीतीश कुमार से अलग नहीं होना चाहते थे लेकिन समय की मांग है, मजबूरी है कि वो नीतीश से अलग जा रहे हैं। वो तो नीतीश को मजबूत ही करने आए थे। पूरे बयान को सुनिए। लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री और उनको अपने मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के इंतजार में किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की, 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के 3 सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है, और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए। आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं, पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोच कर भी अंदर से दिल ही टूटता है। अभी सत्ता, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।